नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ना वाई मानने की जरूरत है, आप इस प्रश्न को बिना पेन उठाए सॉल्व करते सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में दो जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इसे x by y के रूप में मान के सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है, तुरंत आंसर दिख जाएगा। देखिएगा, प्रश्न आपका यही कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्या करना है दोस्तों, दो जोड़ने पर, यानी अंश और हर दोनों में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन मेथड का नाम है, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तुरंत इसका आंसर दिखेगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1/2, पहला ऑप्शन 1/2 है, हम इसमें भी दो जोड़ देंगे। अंश कौन होता है? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और नीचे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, दो जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 हो जाएगा, ये 3/5 नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, 1/3 है ना, हम अंश में भी दो जोड़ देंगे और हर में भी दो जोड़ देंगे। अब ये क्या होगा दोस्तों, ये 2 × 1 = 3 हो जाएगा, और नीचे बटा में 3 दो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है दोस्तों, 3/5 हो रहा है। तो ये 3/5 प्राप्त हो रहा है किस में, 1/3 में दो जोड़ने पर, 1/3 के अंश और हर में दो जोड़ने पर ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, 3/5 प्राप्त हो जा रहा है। तो यही भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, आप तुरंत ऐसे ऑप्शन से कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए और पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और किसी भी ऑप्शन में दोस्तों आप जोड़ेंगे तो यह संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। क्या किया है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, जो कह रहा है वही जोड़े और तुरंत आपका आंसर मिल गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है यह प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों, आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूं कहने का मतलब है, और एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। अगर जो आपको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप उस चैनल पे जरूर जाइए और वहां से आप चैप्टर वाइज पढ़िए। कुछ दिनों में दोस्तों जब वहां मैथ की सारी चैप्टर जब समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को ₹750 में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। क्या हो रहा है दोस्तों, ₹750 में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि प्राप्त होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को उस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित करना होगा, यानी कि मूल्य कितना रख दे कि 20% का उस पर लाभ हो। और ₹750 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की हानि हो रहा है, और उसे 20% लाभ चाहिए तो कितना मूल्य उसका निर्धारित करे, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको लाभ हानि के मैं बताया था कि जब हानि होती है तो क्या किया जाता है दोस्तों, उसे हम 100 से घटा के लिखते हैं और लाभ को क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जब ₹750 में बेच रहा है तो विक्रेता को क्या हो रहा है, 20% की हानि, हानि को हम क्या करते हैं, 100 से घटा के लिखते हैं। यानी कि दोस्तों ये
में जो हो जाएगा 80% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 80% की वैल्यू है 750 रुपए। 20% की हानि हो रही ना 750 रुपए में बेचने पे, तो 80% की वैल्यू है 750 रुपए। और क्या कह रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को उस वस्तु को का कितना मूल्य निर्धारित करना होगा। 20% का लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 में जोड़ देंगे। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, 120% की वैल्यू निकालना है। जब दोस्तों 80% बराबर 750 है तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, 120% का। 120% का जब वैल्यू निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वही उसका निर्धारित मूल्य आ जाएगा। जब 80% बराबर 750 है तो 120% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 750 गुणे, देखिए 750 बटा 80 और गुणे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 120% की वैल्यू निकाल रहे हैं, गुणे हो जाएगा 120। अब बस इसी को दोस्तों आप छोटा कर लेंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो छोटा करना है कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4 × 8 यानी 40 से कटाएंगे तो 40 × 80 और 40 से कटाएंगे तो 40 × 120 होता है। फिर 2 से दोस्तों इसको कटा लेंगे, 750 को कटा लेंगे तो ये 375 हो जाएगा। 750 दो से कितना बार में जाएगा, 750 का आधा कितना होता है 375, और 375 में दोस्तों 3 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 375 में 3 से वो दोस्तों गुणा कर देंगे, तो गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21, 1 × 22 का 2 हासिल 2, 3 × 9 = 11 क्या आ गया दोस्तों, 1125 रुपए आ गया। देखिए विक्रेता को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित करना होगा, 1125 यानी 1125 रुपए उसका मूल्य निर्धारित करना होगा। 1125 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, नहीं, इसको आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान रहा और इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आप सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। और ये प्रश्न बार बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक बार और समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा शॉर्टकट में। देखिए दोस्तों ये 750 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, विक्रेता को 20% की हानि, यानी 80% बराबर दोस्तों क्या हो गया, 80% बराबर हो गया दोस्तों 750 रुपये। 80% की वैल्यू क्या आ गई, 750 रुपए। कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को उस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित करना होगा, तो 20% लाभ को क्या लिखेंगे दोस्तों, 120% की हमें वैल्यू निकालना है। तो 120% की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 750 बटा 80 गुणे 120। 120 जब हो जाएगा, अब इसे आप कटा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1125 यानी 1125 रुपये वस्तु का मूल्य निर्धारित करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और परीक्षा में दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों आपके लिए पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ईबुक आई है, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं दोस्तों, उसके बाद आपको समझाता हूं तीसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ईबुक है, बहुत ही अच्छी ईबुक है दोस्तों। इस ईबुक में दोस्तों उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये ईबुक किन किन के लिए उपयोगी रहेगी, आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, RPF की एग्जाम देंगे, SSC GD, UP पुलिस, SI, लेखपाल, रेलवे, SSC की कोई एग्जाम या अदर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ईबुक है। इस ईबुक में दोस्तों उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है PDF नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप अपने मोबाइल से ही इसे पढ़ सकेंगे। दोस्तों ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंजाब पब्लिशर को दोस्तों यहां कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, वो परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों इस ईबुक को परीक्षा से पहले लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आसान भाषा में समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी आयताकार प्लेट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, प्लाट का परिमाप क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आयताकार प्लाट की बात कर रहा है। तो आयताकार कैसे होता है दोस्तों, आयत कैसे होता है, ऐसे होता है ना, एक ऐसे प्लाट है ठीक है, और इसके भुजाओं में अनुपात क्या दे रहा है दोस्तों, 5:4, यानी इसका लंबाई दोस्तों क्या है, 5 है, अनुपात में कह रहा है, और चौड़ाई क्या है, 4 है। तो इसे मान लेंगे दोस्तों ये 5x है, ये 4x है ठीक है, ये 5x है और ये क्या है दोस्तों, 4x है। इनका रेशियो दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है 500 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों इसके हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 5x गुणे 4x। तो 5x गुणे 4x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आयत का लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा ठीक है। तो 20x स्क्वायर बराबर 500, तो x स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 500 बटा में हो जाएगा 20, 500 बटा में 20 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों, ये x स्क्वायर बराबर क्या है, 500 बटा में 20, ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब 50 कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ गया, x स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 5 ठीक है, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5 ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5 आ गई। तो ये आयत का जो लंबाई है 5x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x बराबर जब 5, तो 5x बराबर 5 × 25, आयत की लंबाई क्या आ जाएगी दोस्तों, ये 25 आ जाएगा, आयत की लंबाई 25 और चौड़ाई 4x है, तो x बराबर 5 है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो आयत की चौड़ाई क्या आ गई, 20 आ गई। और पूछ कह रहा है परिमाप क्या होगा, परिमाप दोस्तों क्या होता है, परिमाप आपको बता दूं, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसमें 4 भुजाएं दी गई है दोस्तों, 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, यानी कि ऊपर वाला एक लंबाई है, नीचे वाला भी एक लंबाई है, और इधर साइड वाला चौड़ाई, एक इधर साइड वाला चौड़ाई। तो क्या करेंगे दोस्तों आप इसके लिए, ये आपका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो नीचे वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, और ये साइड वाला क्या है, 20 है, तो ये साइड वाला भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ठीक है, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, ऊपर वाला 25 मीटर, नीचे वाला 25 मीटर, और दोनों साइड वाले 20 20 मीटर हो जाएंगे ठीक है। इन्हीं को हम जोड़ लेंगे, आयत का परिमाप आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों, ये 25, ये 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 और ये 20 70, और ये 20 क्या हो जाएगा, 90। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 मीटर हो जाएगा, आयत का परिमाप 90 मीटर। 90 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझा देता हूं शॉर्टकट में, समझ लीजिएगा। देखिए ये आयत है दोस्तों, और इनका रेशियो दिया था 5 और 4 का ठीक है, यानी कि 5x और 4x ठीक है, इनका अनुपात है, और आयत का क्षेत्रफल क्या है, 500 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो गया, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5x गुणे 4x करेंगे, यानी 5x गुणे 4x करेंगे तो 20x स्क्वायर हो जाएगा, 20x स्क्वायर बराबर 500। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 बटा में 20, और x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ गया, x स्क्वायर बराबर 25 आ गया, x स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x बराबर ये वाला 25 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ठीक है। तो ऊपर वाला 25, तो नीचे वाला भी 25, और साइड वाला इधर वाला 20, तो इधर वाला भी 20। अब इन्हीं चारों को जोड़ लेंगे दोस्तों, 25 25 20 20 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 90 मीटर आयत का परिमाप हो जाएगा। परिमाप दोस्तों किसे कहते हैं, परिमाप दोस्तों जो जितने भुजाएं इनमें दी गई हैं इन्हीं का योग को परिमाप कहते हैं। जैसे ऊपर वाला रेखा हो गया, इस साइड वाला रेखा, फिर नीचे वाला और इस वाले, चारों को जोड़ लेंगे, यही होता है परिमाप। इन चारों को जोड़े तो क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आ गया, यानी कि 90 मीटर यही इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप को दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां पे दोस्तों आप चैप्टर वाइज पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, और दोस्तों आप अच्छे से सफल होइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। और आपको बता दूं दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो
वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर वाला सिंबल ऐसे होगा यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनेगा इसे भी प्रेस करके दोस्तों ऑन कर लीजिए। जब इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन जाएगी यानी आप तक मैसेज आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।